ओट्स वाली चपाती क्यों खाते हो, कूड़ा क्यों खाते हो? मेनू अच्छा लगता है, मेनू झूठ झूठ झूठ। गुड मॉर्निंग, चलो उठो ध्यान से नीचे बर्स है शिवी की। चलो 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 ध्यान से ध्यान से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसे कर रहे इतना खुश होगी? गुड मॉर्निंग आपको चेक चेक के। फेस्टिवल सीजन है। गुड मॉर्निंग दादी आ गई। शिवी क्या लगवाने लगे हो? क्या हुआ? दीमक। दीमक आ गई है ऊपर। वो कैसे पता नहीं कैसे आ गई है। शिवी ऊपर नहीं जाना बेटू, दवाई लगनी है ऊपर। इधर आओ, इधर आओ। नहीं बेटे नहीं, मेरी बाथरूम है नहीं, सुबह सुबह और अपनी ड्रेस के साथ लगती है। तो पहले नहाओ, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो, फिर कुछ करना और क्या। चलो कॉल आ रहा है आपका। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और जस्ट उठे हैं, फटाफट से होंगे रेडी और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। मम्मा तो सुबह सुबह लगे हैं रोशनी के साथ, दीमक कंट्रोल में, इसलिए ऊपर दरवाजे में पता नहीं कैसे दीमक आ गई है, तो मम्मा उसी को फिक्सअप कर रहे हैं। क्या हुआ रात को, क्यों फंसे बुरी तरह आप? रात को नींद नहीं आई थी। नींद क्यों नहीं आई? क्या ओट्स वाला कूड़ा खा लिया है, वो भी मेनू एसिडिटी हुई। नहीं रात को नींद नहीं आई क्योंकि सुबह खा लिया, ये क्या लॉजिक हुआ बताओ मम्मी? काम कर लेते, सफाई करनी सारी, खिलाना प्यार। यही बता रहे हो ना कि ओट्स के कारण कुछ हुआ आपको? क्या हुआ? कूड़ा खा के नहीं डाइजेस्ट हुआ। चलो बताओ क्या हुआ। कूड़ा खा के नहीं डाइजेस्ट हुआ। कौन सा कूड़ा खाया? ओट्स का। ओट्स का हो सकता है। मैं रात को ओट्स की रोटी खाई थी, प्लेन रोटी खाती है मैं। झूठ ना बोलो, बस करो आप। मम्मी झूठ ना बोलो, आप सारा दिन डाइटिंग करते हो। डाइटिंग ओट्स, कोई डाइटिंग नहीं होती। तो ओट्स वाली चपाती क्यों खाते हो, कूड़ा क्यों खाते हो? मेनू अच्छा लगता है, मेनू झूठ झूठ झूठ। कितने पैसे हो गए भैया? 100 रुपए। नहीं खींचना बेटे, उसको नहीं खींच, गुस्सा नहीं होना। नहीं नहीं नो, क्या हो गया बेटे? नहीं 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 बेटा, फर्क पड़ गया मौसम को, फुल बाजू के कपड़े पहनते। नहीं नहीं बेटे, सीजन चेंज हो गया तो इसको फुल बाजू के कपड़े डाले। दादा नाइट सूट डलवा दिए, इसको दूसरे कपड़े नहीं डलवाए, उसमें तो बहुत इरिटेट हो रहा था। ये तो कॉटन का, इसमें भी इतना इरिटेट हो रहा है कि मुझे फुल बाजू क्यों पहना दिया इसको। गुस्सा आ गया, गुस्सा नहीं करना। चलो काम भी करो, फिर मम्मा नहाने जाओ। चलो मैं अभी नहा के आई हूँ तो ये हाल कर रहा है इसने मेरे ड्रेसिंग का। ये क्या हो रहा है शिवी? हाँ गंद क्यों मचा रहे हो? अरे दिन इस लड़के से जितना मर्जी गंद डलवा लो, और अभी भी अपना बिजी है, कोई फर्क नहीं है ऐसे कि मम्मा डांट रही है। नॉटी। चलो उठाओ इसको। बस सब हो गया रेडी, फटाफट से करेंगे ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट थोड़ा चेंज है, कुछ डिफरेंट खाने लगे मैं और शिवान। खाएंगे इडली फ्राई, इसको मैंने आईपैड पे लगा दिया, नहीं तो कुछ खाएगा नहीं। बाय। मोबाइल तो नहीं उसको मेरा? कहाँ पे? उस पर्सन ने क्या मोबाइल? बस मम्मा के जाते ही इसकी मस्तियाँ स्टार्ट है। शिवी दादी आती है तो मैं बताती हूँ, दादी को तंग कर रहा है मम्मा को। टूटो दादी आ गई। दादी घूमी करके आ गई थी। दादी कहाँ से घूम के आया शिवी? बाहर आई नहीं रहा था मैं, कह रही दादी आगे, दादी आगे चीखे मार रहे। आ जाओ फिर लेट हो। कितने काम करके आए हो? लवली। अच्छा वो करवा चौथ का सामान लेने? फेस्टिवल की शॉपिंग शुरू हो गई है, रोज जाते हैं लंच देने, फिर कहेंगे करवा चौथ के लिए ये लेने गई थी वो लेने गई थी, बस यही चलता अब आ गए हैं मम्मा तो इसको देखेंगे। पीछे से तो इसने इतना बुरा हाल किया। मम्मी आपको पता है आपके जाने की शर्त हुई है, इसको पता नहीं, शायद पता लग जाता है कि अब मैं घर पे अकेला हूँ, मम्मी के साथ मैं धूम मचाऊंगा। कैसे शांत होकर बैठा हूँ, कमोनी ही नहीं होता मैं। आ जाओ। आ गए हैं तो अब करेंगे फटाफट से लंच क्योंकि बहुत भूख लगी हुई, मैं तो मम्मा की वेट कर रही थी। आजकल ना केले खाने का दिल नहीं करता, साथ में हो ना गप्पे शप्पे मार के एंजॉय करते लंच खाओ तो उसका मजा ही अलग है। लंच में आज मैं दिखा देती हूँ क्या बना है। लंच में है आज हमारे मटर वाले चावल, बहुत दिनों बाद बने, और साथ में है रोंगी। मैंने हल्की सी मिर्ची डाली है क्योंकि मेरे को मिर्ची काफी कम लग रही थी, पर मैंने जरा सी डाली। और आज साथ में बनी है लोबिया की सैलेड। आपको पता है रोंगी और लोबिया वो है भाई बहन है, तो आपने भाई बहन इकट्ठे बना लिया आज? पापा ने कैसे पापा बराबर इकट्ठे बना लिया। चलो अब लंच तो कर लो, आ जाओ। हेलो, आपकी डाइटिशियन ने कहा था कि इनको वो दे देना एप्पल। इसको बंद करो, बहुत हो गया, रोटी हो गई, थैंक यू। चलो दीदी पास चले, दीदी काम कर रही है। कहाँ जा रहे हो बाइक पे? ऐसी बाइक कौन चलाता है, सीधा चलाओ। ओए दंग क्यों करते हैं मम्मा को?
शाम के हो रहे हैं 5:30 और शिवांश को मैं सुला रही थी तो मुझे खुद नींद आ गई, मेरे को पता ही नहीं चला, मैं खुद सो गई। अराउंड 1/2 आवर सो गई होंगी और अब आगे नहीं खुल रही, इतना डिजी फील हो रहा है। और शिवांश स्टिल सो रहा है, संचित आ गए ऑफिस से और मम्मा गया वॉक पे, तो बस अब फटाफट से पियेंगे चाय, सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊंगी और देन उसके बाद रात की तैयारी करते हैं। शाम की चाय हो गई, अब थोड़ी एक्टिवनेस आई है, पहले तो बहुत बुरा हाल था मेरा नींद से, अब थोड़ी आंखें खुली हैं। हाँ जी कौन, वो टाइम हुआ, अब टाइम नहीं हुआ अभी, दरवाजा खोलो। पर अभी टाइम ही नहीं हुआ ना मम्मा, अभी 1 घंटा नहीं हुआ आपको गए को। 1 घंटा हमें लाना, मैं 40 मिनट में जानी है। झूठ मत बोलो। चार्जेस डिस्कस हो रहे हैं, किस चीज के चार्जेस डिस्कस हो रहे हैं? मंथली चार्जेस जड़े लेंदे हैं उनको, मंथली कुछ कर भी दिया करो, ये तो उनको क्या करो, मंथली कुछ कर भी दिया करो, हमें मंथली चार्ज लेके क्या आए हो? आइसक्रीम, इस मौसम में आइसक्रीम कौन खाता है? हमारी सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, आज मैंने बनाया है वेजिटेबल कोरमा, ऑलमोस्ट डन है। हाँ चलो स्प्रे कर दो, साफ कर दो उसको, इधर भी कर दो, इधर भी, और सोफा पे कर दो। रात के हो रहे हैं 12 और भूख लगी हुई है, तो मम्मा हमारे लिए लाए थे फ्रोजन फूड कि अगर रात को भूख लगे तो बस वही ट्राई करने लगे हैं, देखते हैं कैसा बनता है, कुछ भी नहीं करना बस इसको। तो मम्मा लाए थे ये देसी शेफ का पनीर टिक्का रैप, बिल्कुल रेडी है ये, बस इसको गर्म ही करना और खाना है। इंस्ट्रक्शंस में तो मेंशन किया हुआ है कि इसको तवे पे कर लो, पर मैं इसको एयर फ्रायर में करने लगी क्योंकि हीट ही करना है ना बेसिकली, देखते हैं कैसा बनता है, मैं और संचय ट्राई करने लगे क्योंकि दोनों को भूख लगी हुई। कुछ ऐसी पैकेजिंग है इसकी, अब मैं इसको एयर फ्राई में लगाने लगी हूँ और ये आराम से लगा हुआ है रात के 12 बजे अपना ही करो। ओ हेलो, हाय, गरम हो तो गई है पर ये तो क्रिस्पी हो ही नहीं रहा, ऐसे ही खा लेते हैं, पता नहीं क्या है ये भी, अंदर से तो स्टफिंग बर्फ ही पड़ी हुई है, ये खोल के करती हूँ अब, ऐसे करके देखती हूँ। मैंने इसको तवे पे किया है और मुझे लग रहा है अब शायद हो गया, सही गया लग रहा है, देखते हैं। ये लो, पहले मैंने एयर फ्रायर में किया तो हुआ नहीं, अब मैंने तवे पे करके देखा है अब शायद हो गया। खा के तो देखो क्या है, बहुत बेकार है क्या, क्या फ्लेवर बहुत ही घटी है, क्या फ्रोजन फूड स्वाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, इनको तो बहुत बेकार लगा, गरम ही सही से हुआ वो अंदर से, वैसे तो ठीक है, चटनी लगी हुई है हरी अंदर, अंदर की स्टफिंग थोड़ी ठंडी रह गई है, पहले तो खैर हो ही नहीं रही थी, बाहर से गर्म हो गया था, अंदर तो फ्रोजन ही था, स्टफिंग नहीं हुई हुई अंदर से गरम, पर खाने में बैड नहीं है, मेरे को ठीक लगा। हाँ रात को मैगी वगैरह खाने से तो बेटर है, इफ आई हैव टू रेट आई विल गिव 7, आप कितना दोगे? दो भी नहीं, मैं भी, आपको इस चीज़ का टेस्ट नहीं होगा तो नहीं अच्छा लगा होगा, मुझे ठीक लगा, इनको तो खास नहीं लगा पर मेरे को ठीक लगा, पर हाँ किसी का पेट नहीं भर सकता ये रैप खा के फॉर श्योर, मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं खाया, पर हाँ एक बार ट्राई करने के लिए बैड ऑप्शन नहीं है।